गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंदुकुल आर्या। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हूँ मैं करनाल में। तो पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे पोहा और चाय। तो पहले हम पोहा चाय बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। तो यस फ्रेंड्स, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, और ब्रेकफास्ट में मैंने जैसे कि आपको बताया कि पोहा और चाय बनाएगा। और उससे पहले जो मैंने क्लिप शूट की ना, तो मैंने उसमें नोट किया कि मैंने मतलब देख ली, हाँ ठीक है, मैंने वो देखी क्लिप, हाँ ठीक है, ठीक शूट हो गई। उसके बाद ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना, तो मैंने टीवी में अपना व्लॉग चला दिया, जो दो तीन दिन पहले का जो मेरी एक वीडियो थी, मैंने वो देखने लग गई मैं। और मैंने देखा उसमें भी सेम क्लिप थी जो मैंने अभी सुबह शूट की, आई मीन सेम कपड़े, सेम एंगल, सारा कुछ सेम। तो फिर मैंने पूरा चैनल खोला, तो मैंने देखा कि हाँ, मेरी मोस्ट ऑफ वीडियो इसी नाइट सूट में है, या फिर कोई ऐसी टी शर्ट जो सिर्फ येलो ही है। तो यस, मेरे को सच में पता नहीं, मैं जानबूझ के तो नहीं करती यही नाइट सूट, पता नहीं कैसे बाय चांस मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि शायद मेरे को ये अच्छा लगता है और कंफर्टेबल भी है। तो हाँ, पहले तो मैं स्टडी करूँगी थोड़ी सी, क्योंकि आज मैं घर पे हूँ। उसके बाद ना मैं नहाऊँगी और दूसरे कपड़े चेंज करूँगी, और नेक्स्ट क्लिप है ना दूसरी ड्रेस में होगी, इसमें नहीं होगी, क्योंकि मुझे भी लगने लग गया है कि मैं हर टाइम यही पहन रखती हूँ क्या। ओके, तो मैं नहाती हूँ और दूसरे कपड़ों में आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है और अभी हम कर रहे हैं लंच की तैयारी, और लंच में है रोटी और कढ़ी। और तो नहाने के बाद मैंने एक मूवी देखी है, द केरला स्टोरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप वो मूवी ज़रूर देखो, और इनफैक्ट मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो वो मूवी है वो रियल बेस्ड स्टोरी है। आई मीन, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि स्टोरी, तो क्या ही बताऊँ उसकी मैं, मुसलमान और हिंदुओं के जो धर्म परिवर्तन की बात है उसके बेस पे ये स्टोरी है, और रियल है, सबसे बड़ी बात रियल है, और डराती भी है, रुलाती भी है, और हिम्मत भी देती है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी से, आप ये मूवी ज़रूर देखो। चाहती हूँ कि मैं थोड़ी थोड़ी स्टोरी बताऊँ मैं, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं रहेगा ना, कि आप ना वो मूवी ज़रूर देखो। ऐसे नहीं कि हंसने की या फिर वो वाली मूवी नहीं है, ये आंखें खोलने वाली मूवी है, आपकी आंखें खोलेगी, और आप आगे शेयर करना, आगे अपने बंदों को, अपने लोगों को बताना कि मूवी देखने के लिए बोलना, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, ऐसा एक्चुअल में होता है हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक्चुअल में होता है। तो इनफैक्ट मैं तो थर्रा गई थी इसको मूवी को देखने के बाद, बहुत डर गई थी। तो ठीक है, आप ये मूवी देखो, हम करते हैं लंच और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हो गई है शाम, और आपको मैं इस ड्रेस में दिख रही हूँ जो मैं घर पे पहन के गई थी, क्योंकि मैंने अभी बनाई है थोड़ी डांस वीडियो, और जो आपको मेरे चैनल पर ज़रूर दिखाई देगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बहुत सारा प्यार दो, मेरे 1000 सब्सक्राइबर कर दो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कपड़े चेंज करके आ गई हूँ बाहर, और बाहर खेल रहे हैं वही बच्चे शाम को, उस दिन भी ऐसे ही खेल रहे थे। इसलिए ना, पता है क्या, इसलिए ना मैं रोज़ शाम को आते, तो हम हर रोज़ ही शाम को हैं, लेकिन रोज़ वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि वही सेम वही बच्चे खेल रहे हैं, वही हम यहाँ चेयर पे बैठे हैं, वही क्या पता मैं फिर से किसी की साइकिल देख के साइकिल मांग लूँ, ये थी खड़ी साइकिल, क्या पता किसी की साइकिल मांगने का मन कर जाए और वही सेम कंटेंट हो जाएगा। इसलिए ना हर रोज़ मैं यहाँ की वीडियो बनाती रही हूँ, ताकि आप फिर से एक बार हमारी सोसाइटी का व्यू देखो कितना अच्छा है। और ये देखो, यहाँ पर ये बच्चियाँ योगा कर रहे हैं, क्या बात है भाई, फ्रॉक वाली अच्छा योगा कर रही थी, अब कहाँ गई। जब भी मैं वीडियो शूट करने की कोशिश करती हूँ ना, ये देखो। क्या बात, प्राणायाम क्या बोलते हैं इसको, सूर्य नमस्कार समथिंग कुछ ऐसा तो बोलते तो हैं, जो भी है, लेकिन ताड़ासन बोलते हैं, नहीं ताड़ासन नहीं, ये सही है, वृक्षासन जो भी है, लेकिन सही है। तो फ्रेंड्स, अभी चल रहा है IPL। फ्रेंड्स, बहुत टाइम पहले ना मैं भी IPL देखती थी, और मेरी फेवरेट टीम थी पंजाब किंग्स 11 पंजाब, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि इसमें ना वो था युवराज सिंह था उसमें, इसलिए मेरी वो फेवरेट टीम होती थी। लेकिन युवराज के जाने के बाद मैंने खास IPL नहीं देखा,
और उस टाइम ना किंग्स इलेवन पंजाब एक दो बारी सेमीफाइनल में गई थी ना, गई थी नहीं? हाँ। और दूसरे नंबर पे है मेरी मुंबई इंडियंस, क्योंकि उसके अंदर था सचिन तेंदुलकर। ओके तो लेकिन अभी मैं बस, मेरा थोड़ा बहुत पता है, ज्यादा मेरे को खास ज्यादा अच्छा नहीं लगता अब, क्योंकि युवराज भी नहीं है ना ही सचिन है। हाँ, विराट कोहली जो मेरे को अच्छा लगता है। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है तो कमेंट में आप जरूर बताना ना। मेरे को किचन से ना कुछ खटपट खटपट की आवाज आ रही है, तो मैं देख के आती हूँ किचन में हो क्या रहा है। वैसे तो बोल रहे थे कि भूख नहीं लगी, क्या हो रहा है किचन में, क्या हो रहा है मेरे को सच में नहीं पता था। ये देखो चोर छुपे, मतलब जब खाना बना था तब तो इन्होंने खाया नहीं, तब तो इनको भूख नहीं थी। कहाँ बना था? अच्छा, बनाया नहीं था। कब बनाया था? कड़ी रोटी नहीं बनाई थी। फ्रेंड्स, दीपू तो खा रहे हैं तरबूज और हमें किसी को कोई भूख लगी नहीं है। अभी हम सिर्फ दूध पियेंगे, अभी मैं सिर्फ ये कुछ काजू है, मैं काजू खाऊंगी, दूध पी के सो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स प्लीज मेरी वीडियो को पूरा देखो, पूरा देखो, क्योंकि ना मैंने देखा है कि मेरी वीडियो को ना कुछ मिनटों तक देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देखते। तो आप ना शुरू से लेके लास्ट तक मेरी वीडियो को देखो, बहुत सारा प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।